जी मेरा नाम कृतिका सक्सेना है, मैं चौका घाट स्थित राजकीय आयुर्वेदिक विद्यालय की फाइनल ईयर की छात्रा हूँ। हम लोग के एग्ज़ाम होने वाले थे 15 तारीख से, लेकिन दो दिन पहले सूचना मिली कि हमारे एग्ज़ाम स्थगित हो गए हैं अभी यूनिवर्सिटी में कुछ दिक्कत की वजह से। हम लोग जितनी भी लड़कियाँ हैं वो दूर दूर से आई हैं और बाहर रह रही हैं, तो हम लोग एक मतलब हम लोग सोच के आए थे कि ठीक है सिर्फ एक महीना रहना हमें, बाहर रहना हमारे खर्चे अलग होते, पर एग्ज़ाम स्थगित हो जाएगा तो घर से भी प्रेशर पड़ रहा है, तो हमारे साथ दिक्कतें, हम लोग कैसे रहेंगे फिर बाहर, कैसे मैनेज करेंगे। तो हम लोग चाहते हैं हमारे एग्ज़ाम जल्दी हो जाए। तो अब डीसी वगैरह से मुलाकात की आपने? हम लोग वहाँ गए थे तो, लेकिन कुछ समाधान सही समाधान मिला नहीं, इसलिए फिर हम लोग डीएम ऑफिस चले आए। ऐसे में अगर परीक्षा नहीं हुई 15 को, कितना नुकसान आप लोगों का होगा, कितनी समस्याएं? हम लोग के ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है, हमारे एग्ज़ाम होने वाले थे मार्च अप्रैल में ही होने वाले थे, लेकिन ये कोरोना पैंडमिक की वजह से डिले हो गए, अब और डिले हो रहा है तो बुरा तो लग ही रहा है, लेकिन क्या किया जाए, हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं कि हमारे एग्ज़ाम जल्दी हो जाए। क्या नाम है आपका, पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम हर्ष विक्रम सिंह है, हम लोग राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के अंतिम व्यावसायिक वर्ष के छात्र हैं। हमारी परीक्षाएं जो थी वो 15 सितंबर के डेट थी हमारी, कि परीक्षाएं हमारी अंतिम व्यावसायिक वर्ष की होंगी। इस परीक्षा का उद्देश्य ये था कि अगर परीक्षा हम लोग अभी दे लेते ताकि हम लोग आगे के पीजी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते, एक साल की इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेते, लेकिन परीक्षा के 3 दिन पहले परीक्षाएँ हमारी रद्द कर दी गई, चूँकि विश्वविद्यालय परिसर में कर्मचारी जो थर्ड क्लास के फोर्थ क्लास कर्मचारी थे उन्होंने स्ट्राइक कर दी। वीसी महोदय से बात करने लगा कि परीक्षाएँ आपकी कराएंगे पर अभी कोई डेट आपको नहीं देंगे। हम में से बहुत से छात्र प्रदेश के कोने कोने से आए हुए हैं, किराए पर कमरा लेके बाहर रह रहे हैं, इस कोरोना काल में भी हम लोग परीक्षा देने आए हैं, ये हमारी एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि कोई भी सस्पेक्ट हो सकता है, किसी कोरोना हो सकता है। आने के बाद पता चला एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, ऐसे में जो हम लोग किराया भाड़ा खर्च करके आए हैं, खाने का पैसा दे रहे हैं, हॉस्टल का पैसा दे रहे हैं, और फिर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाना, ये अपने आप में हमारे लिए ब्लंडर है बिल्कुल, क्योंकि हम तो फंस गए बिल्कुल आके ना, हमें बुलाया गया फिर एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए। इस संदर्भ में हम लोग आज डीएम से मिलने आए थे कि सर से मिल के बताएं कि यूनिवर्सिटी में इंटरफेयर करें ताकि एग्ज़ाम जो डेट दी गई थी हमारी, जो प्रस्तावित तिथि 15 तारीख थी, उसे परीक्षा जैसे करा दीजिए, हम लोग जैसे भी परीक्षा कराएंगे हम लिखने का तैयार हैं, जहाँ बैठा देंगे बैठ जाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम हम लोग तैयारी से बिल्कुल हैं, क्योंकि हम लोग का सत्र ऑलरेडी 3 महीने लेट चला, 4 महीने, परीक्षा हमारी जून में हो जानी चाहिए थी, पर अब सितंबर आ चुका है, परीक्षाएँ नहीं हुई हैं। हम चाहते हैं परीक्षाएँ लेके हमको हम ड्यूटी से मुक्त हों, प्रेशर रिलीज कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि 4.5 साल कोर्स है, पढ़ते पढ़ते थक चुके हैं, समय होता है एक वे बीत जाता है पढ़ते पढ़ते। इसी उद्देश्य हम सर से मिलने के लिए कि सर हमारे एग्ज़ाम को जो शेड्यूल दिया गया उसी उसके एक दिन आगे एक दिन पीछे करवा दीजिए, लेकिन ताकि नहीं हम लोग भी अब कार्यालय नहीं मिले हैं, हम लोग अब सोच रहे हैं आवास पर जाके मुलाकात कर लें।